मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीरद संहारी हरे नाथ मम संकट भारी चलत मोही चूड़ा मणि दीनी रघुपति लाई सोलीनी नाथ जुगल लोचन बरवारी बचन कहे कछु जना ककुमारी अनुज समेत गए प्रणाम दोस्तों, मैं दुर्गेश नागर आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सुंदरकांड पाठ को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 30 से दोहा नंबर 33 तक देखेंगे और जो मैं राग आज ले रहा हूँ वो है राग शिवरंजनी। बहुत ही मधुर राग है। आप लोगों ने कई सारे भजन कई सारी गज़लें इसमें सुनी होगी। हृदय को छू लेने वाला राग है। तो आज जो दोहा चौपाई मैं आपको बताऊँगा राग शिवरंजनी में बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले राग शिवरंजनी का थोड़ा सा चलन समझ लेते हैं ताकि आप फिंगर आप सेट कर सकें और अभ्यास कर सकें उन्हीं स्वरों पर ताकि आप बेहतर तरीके से चौपाइयों को दोहे को बजा पाएँ। तो पांच स्वरों का राग है, उड़ा उड़ाऊ जाति का राग है। राग भूपाली के जो स्वर है वही स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, केवल थोड़ा सा फर्क है। भूपाली में शुद्ध गंधार का प्रयोग होता है और शिवरंजनी में कोमल गंधार का प्रयोग होता है। तो केवल एक गंधार को चेंज करने से, शुद्ध गंधार की जगह कोमल गंधार लगाने से राग शिवरंजनी स्पष्ट होता है। तो आइए राग शिवरंजनी के स्वरों को सबसे पहले देख लेते हैं। सिंपल मैं आपको स्वर बता रहा हूँ, ज़्यादा विस्तार आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं आपको राग नहीं सिखा रहा हूँ। दोहा चौपाई को राग शिवरंजनी में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले स्वर देख लेते हैं। सारे ग प ध सा सा द प ग रे सा। मैंने बहुत सारे भजन और गज़लें आपको बताई है राग शिवरंजनी में। बड़ा प्यारा राग है, आपको समझ में आएगा और बहुत इजी नोटेशन है, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। बस आपकी रेंज कोमल गंधार तक होना चाहिए तार सप्तक में। तो देखिए आपकी रेंज कहाँ तक जाना है, तार सप्तक में और मंत्र सप्तक में। मंत्र सप्तक में धैवत तक इसका चलन रहेगा। देखिए सा ध सा रे ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा। ये स्वर इसमें होंगे, धा से कोमल गंधार तक इसका चलन है। तो इतनी रेंज आपकी होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पहली चौपाई देख लेते हैं। दो इसमें चलन रहेगा, एक नीचे एक ऊपर, तो उतार चढ़ाव का आपको बस ध्यान रखना है। सबसे पहली चौपाई देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी। दोहा नंबर 30 से आपको आगे बता रहा हूँ, चाहे तो आप चलत मोही चूड़ा मणि दीनी यहाँ से ले सकते हैं या मंगल भवन या मंगल हारी से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल चौपाई बता रहा हूँ। मंगल भवन सरे ग प ध प मंगल भवन मंगल हारी सरे ग प ध प ग रे सा ध सा सा। सेकंड जो चौपाई है वो भी ऐसी है इसकी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उसी नोटेशन पर गाना है। सरे ग प ध प ग रे सा ध सा। ओके तो ये सेम ही चौपाई है, कोरस भी आपको इसी पे करना है, सेम ही नोटेशन पे। दीन दयाल वीरद संहारी सारे ग प ध प ग रे सा ध सा। हर हूँ नाथ मम संकट भारी, इसकी भी सेम ही नोटेशन है। सारे ग प ध प ग रे सा ध सा। ओके, इसके बाद में पासे आपको लेना है, जो चौपाई आपको अगली लेनी है वो यहां से उठानी है पासे। चलत मोही पद सा सा चलत मोही चूड़ा मणि दीनी चलत मोही चूड़ा मणि दीनी चलत मोही चूड़ा मणि रघुपति हृदय पद सा ये हरकत आपको लेनी है, इससे सुंदरता आएगी।
रघुपति हृदय पाद सादप रघुपति हृदय लाई सोलीनी नाथ जुगल लोचन भर बारी। इसकी भी सेम ही नोटेशन है। पद साना पद सागरी सा नाथ जुगल लोचन भर भारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। ये कोरस की नोटेशन है। कोरस भी आपको इसी नोटेशन पर गाना है, मतलब दो चौपाई आपके ऊपर चलेगी और दो चौपाई आपके नीचे चलेगी, तो उतार चढ़ाव का बस आपको ध्यान रखना है। चाहे तो और भी आप आगे भी ऊपर कर सकते हैं, चार चौपाई ले सकते हैं, छह चौपाई ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको नीचे गाना है, कैसे आपको ऊपर गाना है। तो ये फाइनली इसको ताल के साथ देखते हैं, दोहा नंबर 30 से दोहा नंबर 33 तक क्लासिकल केरवा में आप इसको गा सकते हैं, 8 मात्रा की ताल है। तो आइए इसको ताल के साथ देखते हैं। मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीरत संहारी हरे नाथ मम संकट भारी चलत मोही चूड़ा मणि दीनी रघुपति लाई सोलीनी नाथ जुगल लोचन बरवारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतार तिहरना मन क्रम बचन चरण अपराधनाथ हो त्यागी अब गुण एक मोर में आना बिछुरत प्राण न कीन बयाना नाथ सुनय नहीं को अपराधा निसरत प्राण करही अटवाना विरही अग्नि तन स जरई छन माहि सरीरा नयन स्रवई जल निज हितलारी जरे न पाव दे बिरहागी सीता के अति विपति विशाला विनहि कहे बलि दीन दयाला निमिष निमिष करु चले प्रभु आने रामा उज्जवल कल दल जीत सिया रामा सुन सीता दुख प्रभु सुखना हरियाए जल राज बचन काय मन मम गति धाई सपने बूझे जब तब सुमिरन भजन न होई केतिक बात प्रभु जातु दान की विपुई जीतिया ने भी जान की सुनी कपितो ही समाना उपकारे नहीं को सुर नर मुनि तनु दारी प्रति उपकार करो सुत तो ही उरेन में आए देखे करी विचार मन माए पुनि पुनि कपे चितव सुरता लोचन नीर कुल कति गाता सुनी प्रभु बचन
बिलों की मुकरावा गाती हरस हनुमंत सिया रामा चरण परयूं प्रेमा कुल रामा ताही त्राही भगवंत सिया रामा हर बार प्रभु चरही उठावा प्रेम मगन तेही कर पंकज कपि के सीसा सुमरि सुदसा मगन गोपीसा सावधान मन करी पुन संकर लागे कान कथाति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा करी गई कटी बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका की विधि दयऊं दूर अति मंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना साखा मृग के बड़े नागी सिंधु आटक पुर जारा निश्चर गन बदी बिपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई आ कहूं प्रभु कछु अगम नहीं रामा जा पर तुम प्रभाव बड़वान रामा चारि सकई खलु तुलसिया रामा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्श। तो इस तरीके से आप राग शिवरंजनी में भी सुंदरकांड पाठ का आनंद ले सकते हैं। मैंने नोटेशन आपको बना करके दे दी है और बस इसमें उतार चढ़ाव का ध्यान रखना है और जब ऊपर हम गाएंगे तो नीचे आपको सडनली नीचे आना है, डायरेक्ट आपको नीचे आना है, तो वो जो गैप है वो आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना है और बड़ी सुंदरता के साथ आप राग शिवरंजनी पर सुंदरकांड पाठ रामायण चौपाई दोहा आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग दोहा नंबर 33 से दोहा नंबर 35 तक देखेंगे किसी नई धुन में नए किसी राग। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।